नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। देश में कोरोना वायरस के नए मामलों में पिछले कुछ दिनों से कमी देखी जा रही है, लेकिन एक बार फिर से कोरोना केस बढ़ने लगे हैं। बीते एक दिन में देश में 41,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं, जिससे तीसरी लहर की आशंका बढ़ गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गुरुवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में देश में 41,806 नए मरीज सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 581 मरीजों की कोरोना से जान गई है। नए मरीजों के बाद देश में कोरोना का कुल आंकड़ा बढ़कर 3,09,87,880 पहुंच गया है। इनमें से अब तक 4,11,989 मरीजों की जान चली गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि देश में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। अब तक 3,01,43,850 मरीज रिकवर हो चुके हैं। बीते 24 घंटे में 39,130 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में ये दूसरी बार है जब नए मरीजों की तुलना में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या कम रही है। देश में अब एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 4,32,041 हो गई है। देश में रिकवरी रेट 97% से ज़्यादा है, तो वहीं पॉजिटिविटी रेट 3% के करीब बना हुआ है। राज्यों की बात करें तो केरल और महाराष्ट्र में कोरोना एक बार फिर से टेंशन दे रहा है। दोनों राज्यों में रोज़ाना 50% से ज़्यादा मरीज सामने आ रहे हैं। केरल में बुधवार को बीते 24 घंटे में 15,637 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 128 मरीजों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं महाराष्ट्र में बुधवार को कोरोना के 8,602 नए मामले सामने आए और 170 लोगों की संक्रमण से मौत हो गई। तमिलनाडु में बीते दिन 2,458 नए मरीज सामने आए, इस दौरान 55 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। इसी तरह कर्नाटक में बुधवार को बीते 24 घंटे में 1,990 नए कोरोना केस दर्ज किए गए, जबकि 45 मरीजों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश में 11, गोवा में 227, राजस्थान में 37 और तेलंगाना में बुधवार को बीते 24 घंटे में 749 नए कोरोना मरीज दर्ज किए गए। कोरोना के खिलाफ देश में टीकाकरण अभियान भी जारी है। 14 जुलाई तक देश में 13,40,491 वैक्सीन डोज लगाए जा चुके हैं। बीते 24 घंटे में 7,058 डोज लगाए गए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।